जो कॉस्ट आप ऑनलाइन ट्रेडर्स को दे रहे वही कॉस्ट आप सबको दे ऑल ओवर इंडिया। जब एक ही कॉस्ट रहता है तब बनाओ आप हेल्दी कॉम्पिटिशन। ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है ये गिर के बेचने का। Not all shopping sites are good and not all offline shops will be good. Both have their pros and cons. I would support both of them equally, situational level. Being a local lad, हमको इनको support करना है और किसी को नहीं है। हम saving करने की सोचते हैं। Saving करने के लिए हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं। मैं ज़्यादातर ऑफलाइन ही प्रेफर करता हूँ। वो क्यों करते हो ऑफलाइन? ऑफलाइन क्योंकि मैं खुद वहाँ पे एक फिजिकली या पर्सनली जाके देख के वेरीफाई करके ले सकता हूँ गुड्स को। आई प्रिफर बोथ एंड सम शॉपिंग साइट्स आर देयर विच आर प्रिफरेबल। नॉट ऑल शॉपिंग साइट्स आर गुड एंड नॉट ऑल ऑफलाइन शॉप्स विल बी गुड। आई प्रिफर द बेस्ट क्वालिटी वन एंड बेस्ट प्राइस वन। ऑनलाइन बाइंग कंप्यूटर पे मोबाइल पे हम कर लेते हैं बट हमें गुड्स का फील नहीं मिलता, हमको क्वालिटी नहीं मिलता। बहुत बार हम धोखे खा लेते हैं, बहुत बार हम पेमेंट देते हैं फिर रिटर्न ऑफ मनी के लिए उनके साइट्स पे विजिट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। बहुत बार मैंने तो मेरा क्रेडिट कार्ड एक बार मेरा स्वैपिंग गलत हो गया था, मैंने तो 15-20 हज़ार का चुना लिया। हम सेविंग करने की सोचते हैं, सेविंग करने के लिए हम ऑनलाइन बाइंग करते हैं बट बहुत टाइम हम ज़्यादा पैसे दे के भी बैठते हैं। वी डोंट नो कि हमारे ही सिटी में हमारे ही मार्केट्स में वो गुड्स और सस्ते में अवेलेबल रहते हैं, सब जगह मिलते हैं, सही क्वालिटी के मिलते हैं। आप देख के पहचान के परख के बाई कर सकते हैं। सिचुएशनल है आपके नीड के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो प्रेफर करते हो। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन करना चाहते हो, आप ऑफलाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अब हम मेकअप खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ट्रस्ट करती हूँ एक सर्टेन वेबसाइट को, सर्टेन ऐप को, जिसकी वजह से मैं कपड़े ऑनलाइन आराम से खरीद पा रही हूँ। बट यूजुअली हम प्रेफर करें कि हम ऑफलाइन ही खरीदें क्योंकि हमें कपड़े की क्वालिटी पता चलती है फॉर एग्जांपल। बट छोटे मोटे एक्सेसरीज जो है हम बाकी ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हैं। हैदराबाद कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ऑनलाइन सेल को अपोज करता है। ऑनलाइन अगर आप गहरे पे जाओ तो ये लोग बिल्कुल जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको लॉट में ख़रीदने का एक ये बता के उनको कम दाम में लेते हैं और मार्केट को पूरा कम दाम में बेचते हैं। हमारा दरख्वाहिश गवर्नमेंट से ही है जो आप ऑनलाइन जो ट्रेड करते हैं उसको जो रेट में आप जो कॉस्ट दे रहे वही कॉस्ट सबको दो। ऑफलाइन तो एक्सचेंज कर सकते हैं तो कभी भी आके, ऑनलाइन तो जाके करने का पड़ता नहीं। ऑनलाइन में भी अगर साइज़ में साइज में फ़र्क पड़े तो भी थोड़ा लेट होता, उतना ही थोड़ा लेट करके होता, लेट आता। मैं प्रेफर करता हूँ ऑफलाइन मार्केट, इससे क्या होता है आपको जेन्युइनिटी मिलता है प्रोडक्ट्स का, फील एंड टच को आप जो भी फील कर सकते हैं और ट्राई जो भी है। ये मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि आपको जो भी है ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऑफर्स दोनों ऑलमोस्ट सेम रहेगा, फिर भी आपको इसमें क्या एक जेन्युइनिटी मिलेगा, लोकल सपोर्ट मिलेगा। और ये अपना मेरे तरफ से अपने को सपोर्ट नहीं है, ये लोकल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी सपोर्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन से ऑफलाइन मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस करिए। मैं ऑनलाइन में ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ क्योंकि बैठे जगह ही मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मैं ट्रस्टेड साइट से शॉपिंग करती हूँ। उसमें बहुत ज़्यादा ऑफर्स होते हैं और बहुत सारे कैटेगरीज में मुझे बहुत सारे ड्रेसेस मिलते हैं, सो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, इसको ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल रहता है, वहाँ से परचेस क्यों नहीं कर रहे हो? ये इसलिए परचेस कर रहे हैं कि हमारे जो लोकल जो लोग जो बनाते हैं ये उनको सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको करोड़ों रुपये का इनकम हो रहा है, उनको कोई कमी नहीं है। जब हम इनका नहीं सोचेंगे तो और कोई सोचेगा। बींग अ लोकल एड हमको इनको सपोर्ट करना है और किसी को नहीं है। ऑनलाइन पे तो एक एक बार अच्छा नहीं रहता, डैमेज भी आता है, फिर आंखों से देख के लेने का थोड़ा अलग ही ये रहता है। वो ऑनलाइन पे क्या है गारंटी नहीं रहता। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दे हैव
बोन एंड अ बेन. ऑनलाइन मार्केट्स क्या है, और आपको सस्ता करके बेचते हैं और ऑफर्स रखते हैं, तो और किफ़ायदी होता है और सस्ता होता है. इन अ वे बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स. आई वुड सपोर्ट बोथ ऑफ देम इक्वली. सिचुएशनल है बट ऑफलाइन क्यों ऑफलाइन क्यों वैराइटीज ज़्यादा मिलता है शायद. वैसे तो ऑनलाइन में भी वैराइटीज ज़्यादा रहते हैं. लाइव में नहीं देख सकते ना वैराइटीज. डुप्लीकेट पीस आते तो आपको कुछ मालूम नहीं रहता ना, इसलिए ऑफलाइन. मैं तो ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूँ. क्यों 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 बोले तो ये बहुत ईजी रहता, टाइम भी उतना टाइम वेस्ट नहीं होता समझो ऑनलाइन से. 6 to 7 days लेते हैं मैक्सिमम. हाँ तो उतना आप वेट करने से नहीं नहीं क्यों नहीं लेते. नहीं वैसा नहीं, ज़रा प्रीमियम कस्टमर ऐसा रहता ना, 1-2 दिन में ये हो जाता. ना आलमोस्ट जास्ती लाइन यूज़ मातीन रही सो नोड़ मंथली लिवीज बंद अस्टे नन पसंद बर ಬೇಕಂತ ನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡ್ದೀನಿ. ಅದ್ರಾಗ ಆನ್ಲೈನಾಗ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದ್ರಾಗ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆನ್ಲೈನಾಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಆಫ್ಲೈನಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೈ ಜಾದಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಯೂ ನೀ ಕರ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಮಿಲ್ತಾ ಆನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ. तो ऑनलाइन में उतना टाइम चले आता है जितने हाँ. आप ऑफलाइन खरीद सकते थे. नहीं यहाँ पे ढूंढना चाहिए, वहाँ इधर घूमना वहाँ घूमना होता. सो विच यू वांट यू कैन चेक सॉर्ट एंड देन यू कैन ऑर्डर. डोंट गो फॉर एन ऑनलाइन गेमिंग कि अरे हाँ इतने सस्ते में बेच रहे हैं. सस्ते में कैसा है क्वालिटी, रिव्यूज़ पढ़े, पिक्चर्स देखे, एंड देन दैट मैटर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑफलाइन भी शॉप कर रहे हो तो आप बेहतर जानते हो कि कितना कॉस्टली होता है कितना कॉस्टली नहीं होता है. आप ऑनलाइन भी देखो कि कितना टैली करें कि कितना रेट का डिफरेंस आ रहा है. दैट वुड हेल्प यू फॉर श्योर. ये आजकल तो फर्स्ट कॉपी इंस्टा पे हो या जो सोशल मीडिया पे आपको फर्स्ट कॉपीज मिल रहा है उससे आप दूर रहिए कि फर्स्ट कॉपी से. इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं है और ना ही किसी को फ़ायदा नहीं है. इससे क्वालिटी भी नहीं फ़ायदा, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा. जो भी आप टैक्सेस पे कर रहे हो एक अच्छा काम को यूटिलाइज होने दो, तो जेन्युइन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया तो आपको अच्छा क्वालिटी अच्छा जो भी टैक्स जो भी है जाता है GST होने दो, एक अच्छा काम के लिए वर्क होता है. आप लोकल को सपोर्ट कीजिए, लोकल या जो कौन सा भी ब्रांड हो या लोकल हो ऑफलाइन मार्केट को सपोर्ट कीजिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है. एंड यू गॉट न्यूमरस अपॉर्चुनिटी. हमारे पिताजी या जो भी हमारे घर वाले पहले एक ऑफलाइन शॉपिंग करके अपने रिश्ते बना लेते थे. आज वो रिश्ते मिसिंग है. आज हमको मालूम नहीं कि कौन से चिचा कौन से जगह पे क्या बेच रहे. बच्चे अपने जगह पे मोबाइल पे ले रहे और दे डोंट नो व्हाट प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग. हम हमारे मार्केट में जब घूमेंगे करेंगे मस्ती करेंगे देखेंगे तो हम परख के जान के अच्छी चीज़ ले सकते हैं. तो गाइज यंग ब्लड गो ऑफलाइन गो मार्केट एंड बाय योर प्रोडक्ट. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी दिवाली अगेन. मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे जो लोकल गुलबर्गा के जो लोग हैं वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. हम सबकी दिवाली अच्छी होनी चाहिए. तो हमारे जो लोग हैं जो लोकल जो लोग हैं हमारे साथ उनकी दिवाली भी हैप्पी होनी चाहिए. इसीलिए हम लोकली आए हैं. सब लोगों को यही बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आके लोकल जो यहाँ के जो मार्केट वाले हैं उनको सपोर्ट कीजिए प्लीज़. अपने आँखों से देख के खरीदना अच्छा है. ये ऑनलाइन पे जो क्या है बहुत चीटिंग बहुत है, चीटिंग बहुत हो रहा है लोगों को भी. फिर मैं फॉर एग्जांपल मेरा को भी हो गया फिर भी आपने ऑनलाइन पे खरीदना बंद कर दिया. यहाँ पर एक बड़ा एक साजिश चल रहा है. मैन्युफैक्चरर वांट टू डील विद द कंज्यूमर्स. ये बीच जो C&F है, डीलर्स है, रिटेलर्स है, ये लोगों को हटाना चाह रहे हैं. और आप नेचुरल जस्टिस कैसे कर पाएंगे जो 28% लोग हैं जो इसमें जुड़े हैं, उनका रोजी रोजी रोटी इस पर चल रहा है. आप उसको कुछ अल्टरनेटिव सोचें क्या? इसलिए हम बिल्कुल ऑनलाइन सेल को अपोज कर रहे हैं. हम सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि रोक लें और ये जो कम दाम में जो बेचने का आप जो कर रहे हैं बिल्कुल रोक लेना चाहिए. और ये जो 28% जो इन्वॉल्वमेंट है ये बिजनेस में उनके बारे में भी गवर्नमेंट सोचें. और एक्ट जो बन रहा है रिसेंट मैंने ऑब्जर्व किया है पीयूष गोयल जी का एक स्टेटमेंट कि हम ये प्राइस कॉस्टिंग सबको इक्वल रखने के ये के कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसको स्वागत करते हैं. जो कॉस्ट आप ऑनलाइन ट्रेडर्स को दे रहे वही कॉस्ट आप सबको दे ऑल ओवर इंडिया, जो रिटेलर हो जो भी हो. जब एक ही कॉस्ट रहता है तब बनाओ आप हेल्दी कॉम्पिटिशन. ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है ये गिर के बेचने का. जो प्राइस मार्केट में कंपनी के शोरूम में 1000 रुपये मिल रहा है वो ऑनलाइन ट्रेडर 900 रुपये में कैसे बेचेगा?
इसमें बड़ा साजिश है ये लोगों को बेघर करने का। हम चेंबर वाले अपोज करते हैं इसको, और हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो एक्ट लाए तब उसका हम 100% स्वागत करेंगे। कॉस्ट छोटा भी वो डीलर रहे, एक ही पीस लेके वो बेचता है तो भी उसको वही कॉस्ट गिरना चाहिए जो 1000 पीस लेता है। Thank you for watching Go Hash. Like, share, and subscribe our channel.